दोस्तों यार आज की इस वीडियो में हमारे पास है Vivo Y20। यहाँ पर गाइस ये आपको मार्केट में 5G एंड 4G की स्पीड में उपलब्ध मिलेगा। सो आज की इस वीडियो में जो भी मॉडल हमारे पास है उसका नाम है Vivo Y27 5G। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका कैमरा टेस्टिंग, आपके सामने रियलिटी कुछ आपको शॉर्ट्स लेकर बताऊँगा, साथ में बताऊँगा आप इस कैमरे की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके कैमरे को अगर आपको खूबसूरत फोटो को खूबसूरत पिक्चर को क्लिक करना है तो आप कैसे मूवमेंट में कर सकती हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि आप इससे खूबसूरत पिक्चर को कैसे क्लिक करेंगे, इसकी क्वालिटी क्या रहेगी, पोर्ट्रेट मोड क्या रहेगा, मोर ऑप्शन में आपको क्या फीचर मिलेंगे, नॉर्मली फोटो को आप कैसे क्लिक कर सकते हैं एंड साथ ही आप इसमें फिल्टर इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे कैमरे के अंदर। कैमरे के अंदर जाएंगे, यहाँ पर गाइस आपको 5 मोड मिलते हैं, ठीक है। पहला आपको नाइट का, दूसरा आपको पोर्ट्रेट का, तीसरा आपको नॉर्मली पिक्चर क्लिक करने का, चौथा आपको मिलता है वीडियोस का एंड पांचवा मिलता है आपको मोड का। तो यहाँ पर गाइस सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट मोड की। तो भाई ये नाइट मोड है जो रात में वर्क करता है, इसमें भाई ना आपको फ्लैश जलाने की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ, ऑटोमेटिकली ये अपने ऑब्जेक्ट को देखकर अपनी पिक्चर को क्लिक कर लेता है। एंड अब इसके बाद हम बात करेंगे पोर्ट्रेट की। तो यहाँ पर जैसे आप पोर्ट्रेट पर जाओगे सो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ 3 फिल्टर देखने को मिल रहे होंगे, स्टाइल, एक इस टाइप से इमोजी बना है एंड यहाँ पर एक नीचे ऐप लिखा है। तो सबसे पहले तो भाई पोर्ट्रेट पर आए हैं तो पोर्ट्रेट का यूज़ तो भाई हम ब्लर के लिए ही करते हैं एंड जो अच्छी क्वालिटी है उसके लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टाइल पर। स्टाइल पर जाने के बाद आप कोई भी यहाँ पर नेचुरल वगैरह आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे तो आप वो लगा सकते हैं एंड यहाँ पर आपको फ़िल्टर भी मिल जाते हैं। सो आप कोई भी फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं एंड आपको लाइट इफेक्ट मिल जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे पोर्ट्रेट से एक पिक्चर को क्लिक करके जो बेहद खूबसूरत पिक्चर होने वाली है। तो सबसे पहले तो भाई हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नॉर्मली कर देते हैं क्योंकि भाई हम दिन में हैं तो हमें यहाँ पर ज़्यादा लाइट इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है। एंड साथ ही अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को सामने ले जाएंगे, ठीक है। जैसा कि ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इसको सामने ले जाने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर जूमिंग आउट भी कर सकती हैं, इसमें जूमिंग का ऑप्शन बहुत ही बेहद खूबसूरत है। सो यहाँ पर हमने पोर्ट्रेट मोड में एक पिक्चर को किया क्लिक। पिक्चर को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी आप खुद परचेस कर सकते हैं, मैंने आपके सामने पिक्चर को क्लिक किया, कितनी खूबसूरत इसकी कैमरा क्वालिटी है। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम फ़ोटोज़ की। तो इसमें भाई आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है कि भाई जब भी आप किसी फ़ोटो को क्लिक करें तो आप बिना अपने हाथ से स्वाइप अप करके जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वीडियोज़ का। तो वीडियोज़ क्वालिटी तो आप यहीं से चेकआउट कर सकते हैं, बट जैसे हम ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं इसका स्लो मोशन भी काफ़ी खूबसूरत है। एंड हम इस स्लो मोशन को यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, देख सकते हैं आप इसका स्लो मोशन भी अच्छा। एंड साथ ही आप इसके फीचर का बहुत ज़्यादा यूज करके अच्छी अच्छी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।